गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छे हैं? आज हम बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा और क्रिया क्या होती है, उससे संबंधित कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिससे हमें क्रिया शब्दों का पता चलता है, वो हम सारे के सारे इसमें पढ़ेंगे। देखो अभी जो है आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो देखने का काम कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं तो सुनने का काम कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ाने का काम कर रही हूँ और साथ में बोल भी रही हूँ, बोलने का काम कर रही हूँ। तो ये जो शब्द है बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना, ये सारे के सारे जो शब्द है बेटा किसी ना किसी काम के होने का बता रहे हैं, ठीक है। और इसी इन्हीं शब्दों को जो है हम क्रिया शब्द बोलते हैं। देखो जैसे खेलना, बच्चे खेल रहे हैं तो अब बच्चे क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, किसी काम का होने का पता चल रहा है खेलना शब्द से। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, खेलना जो है हमारा क्रिया शब्द होगा। ऐसे ही दूसरा शब्द है खाना, वह खाना खाता है तो वह क्या काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। तो खाता है जो शब्द है वो क्रिया शब्द है क्योंकि वो जो है किसी एक्शन को दिखा रहा है, उससे किसी काम के होने का पता चल रहा है, तो ये भी जो है हमारा क्रिया शब्द कहलाता है। ऐसे ही पढ़ना, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो बच्चे क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम का होने का पता चल रहा है, इसीलिए ये शब्द जो है पढ़ना क्रिया शब्द है। जैसे आप इंग्लिश में करते हो ना एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स जो करते हो, वही सेम जो है हिंदी में क्रिया शब्द कहलाते हैं। खाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, नाचना, हंसना, ये सारे के सारे जो बेटा शब्द हैं वो सभी क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो अब हमारी परिभाषा क्या बनती है, शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम के करने का या होने का पता चलता है, किसी काम के करने का या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, क्रिया की क्या परिभाषा होगी, शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम के करने का या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है तो वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो ये पढ़ना उसकी क्या होगी, क्रिया हो गई, ठीक है। गीता गाना गाती है, क्या कर रही है गीता, गाना गाती है, तो गाना गाती है, गाती है जो शब्द है ये किसी काम के होने का बता रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया। अभी देखो ये हमारी आपके जो चैप्टर है उसके अंदर आपको जो है ये परिभाषा याद करनी है क्रिया की, किसी काम शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम के करने का या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखो हम आगे अब करेंगे बुक एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा हमारी जो बुक एक्सरसाइज है उसका पहला प्रश्न है कौन करता है क्या, ठीक है। इसमें जो है आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, ठीक, इनको हमें उचित मिलान करना है, कौन क्या करता है उसको अकॉर्डिंग हमें जो है इसका सही से मैचिंग करनी है। सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ है मोची और उसके बाद खिलाड़ी, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद मछुआरा। इधर आपको वाक्य दिए हुए हैं मछली पकड़ता है, इलाज करता है, जूते बनाता है या खेलता है, तो हमें इनका आपस में मैच करना है। अब देखो मोची, मोची क्या होता है, क्या करता है, मोची का क्या काम होता है, जूते बनाता है, ठीक है ना, तो हम जो है इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। उसके बाद खिलाड़ी, खिलाड़ी का क्या काम होता है, जो खेल खेलता है वो खिलाड़ी कहलाता है, तो खेला खिलाड़ी क्या करेगा, खेलता है। अब आगे जो है डॉक्टर, डॉक्टर क्या काम क्या होता है, इलाज करना, इसको कर देंगे। मछुआरा क्या करता है, मछली पकड़ता है। अब देखो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इनमें क्रिया शब्द कौन से हैं, बताओ क्या होगा। देखो मोची क्या करता है, जूते बनाता है, तो जूते बनाना जो शब्द है ये हमारा क्रिया शब्द है। ऐसे ही खेलता है, ये भी क्या है, क्रिया शब्द है। इलाज करता है तो ये जो है ये भी हमारा क्रिया शब्द है। पकड़ना ये भी हमारा क्रिया शब्द है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी दिए हुए हैं कुछ आपको शब्द,
और कुछ जो है वाक्य दिए हुए हैं, जैसे अध्यापिका। अब अध्यापिका का क्या काम होता है? पढ़ाना, ठीक है। तो अध्यापिका क्या करती है? पढ़ाती है। ऐसे ही डाकिया। अब डाकिया क्या करता है? पोस्टमैन क्या करता है? डाक बांटता है। डाकिया जो क्या करता है? डाक बांटता है, जो पत्र वगैरह आते हैं, लेटर वगैरह होते हैं, उनको बांटता है। ऐसे ही धोबी। धोबी क्या काम करता है? कपड़े धोता है। और दर्जी कपड़े सिलता है। ये एक्सरसाइज जो है आप इस तरह से मैच करेंगे सबको और अपनी बुक के अंदर इसको आप करेंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा, दूसरा प्रश्न है आपकी बुक के अंदर, चित्र देखकर दो दो वाक्य बनाएं। आपकी बुक के अंदर जो है तीन पिक्चर दी हुई है, ठीक है, इनको आप देखेंगे और इनके अकॉर्डिंग जो है दो दो आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे देखो, पहली पिक्चर में जो है दो बच्चे दौड़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वाक्य बनाया पहला, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। दूसरा वाक्य हमने बनाया, बच्चों ने टोपी व जूते पहने हुए हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे चित्र के अंदर एक बच्चे को झूला झूलते हुए दिखाया गया है, तो इसमें हमने वाक्य बनाया, बच्चा झूला झूल रहा है। दूसरा वाक्य हमने बनाया, बच्चा झूला झूल कर खुश होता है। आप अपनी तरफ से अगर कुछ वाक्य बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ आप वही लिखेंगे। अगर आप कोई और नया वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इस पे लिख सकते हैं। थर्ड में आपको एक बच्चे की पिक दिखाई है, पिक्चर दिखाई हुई है, तस्वीर दिखाई हुई है, उसमें एक बच्चा सो रहा है, तो हम लिखेंगे बच्चा सो रहा है। दूसरा वाक्य बनाएंगे, बच्चा कंबल ओढ़कर सो रहा है। इस तरह से बेटा आप ये जो है तस्वीर को देखकर दो दो वाक्य बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये अपनी आप जो बुक है आपकी, उसके अंदर आप इसको पूरे को लिखेंगे, ठीक है। अभी हम तीसरा प्रश्न करते हैं। देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है हमारा, आप विद्यालय और घर में क्या क्या काम करते हैं, दिए गए स्थान में लिखें। अब आपको ये बताना है कि आप विद्यालय में क्या काम करते हैं और घर में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम विद्यालय में करेंगे। अब हम स्कूल में किस लिए जाते हैं, विद्यालय में किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, वहां जाकर खेलते भी है, उसके बाद हम संगीत भी सीखते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले तो हम प्रार्थना ही करते हैं। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या होती है? प्रार्थना होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, फिर हमारा खेलने का पीरियड लगता है, हमारा म्यूजिक का, संगीत का पीरियड लगता है। तो ऐसे बेटा ये सारी क्रियाएं हैं जो है, पढ़ना, खेलना, संगीत सीखना, प्रार्थना करना, ये सारे कार्य हम जो है विद्यालय के अंदर करते हैं, ठीक है। आप ये अपनी बुक के अंदर लिखेंगे ऐसे। उसके बाद आपको बताना है कि आप घर में क्या क्या काम करते हैं। अब घर में तो हम बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, खेलते हैं। तो इस तरह से आपको इस पोर्शन के अंदर, घर के अंदर जो क्या क्या काम करते हैं वो सारे आपको इसमें लिखने हैं। तो ये बेटा आपको अपनी बुक के अंदर काम करना है, ठीक है। उसके बाद अभी आपका देखो ये सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है क्रिया का। अब फिर से मैं आपको बताती हूँ, क्रिया किसे कहते हैं। हमने क्या पढ़ा आज कि शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम के होने का या करने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द बहुत सारे, जैसे जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, पीना, जो भी हम एक्शन करते हैं वो सारे हमारे क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है बेटा। ये सारा का सारा काम अपनी बुक के अंदर आप करेंगे और इस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे, क्रिया की परिभाषा को याद भी करेंगे, ओके, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।